अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सत्तव का रविवार को निधन हो गया। उनका 22 अप्रैल को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट पाया गया था और पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 19 दिनों के संक्रमित होने के बाद उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उन्हें चिकित्सा निगरानी में रखा गया था। सातव कांग्रेस महासचिव और गुजरात में पार्टी के इंचार्ज थे और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने गृह नगर हिंगोली जिले में पंचायत सदस्य के रूप में की थी। वो 2008 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष बने और 2009 में राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने गए। 2014 में उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना गया और जुलाई 2020 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। कोविड-19 से ठीक होने के बाद उन्हें साइटोमेगालो वायरस संक्रमण का पता चला और उनकी हालत गंभीर हो गई। वो कोविड-19 से उबर चुके थे। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित होने के कारण वो कुछ इम्यूनो सप्रेशन दवाएं ले रहे थे। बाद में उन्हें एक जीवाणु संक्रमण हो गया जिसके कारण उन्हें फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो गया था। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।